ने साडे जज्बात ना खेड रहे या रसूल अल्लाह ने नारा लगा के थे इन रसूल अल्लाह ने नाए थे वोटर की ने मैं इन्हें को पूछ रहा हूँ इन्हें किरदार हूँ है इन उस मकाम थे हैं के पाक रसूल ने नाए थे वोट गिन के फिर उसने पारा दे सका इन तो फैजाबाद से आके धरना गिने थे धरना देने थे अपने मफाद की वजह तो और फिर पैसे गिन के तो वापस चले गए इन ऐसा या रसूल अल्लाह ने नारा दस रहे और उस नारे से मुसलमानों ने जज्बात उभार के इन्हें को वोट गिने इन्हें पहले तो शायद ही कोई नहीं इनके नीते ही ठीक नहीं और मलक अमानत साहब साढ़े इतने एम पी ए वन उन्हें को पैसे ज्यादा उन अपने पाए गोश्ते मारे इस हल्के नहीं माज मारना चाहने उन चाहने इनके साथ रिजवी मैंने ना आवे मां वोट मिलन दे मैं एम पी ए बन भी नहीं अगर मलक अमानत एम एन ए एम पी ए बन गया या साथ रिजवी एम एन ए बन गया तो उन के कर सन इतने केड़ा पहाड़ डह सन उत एक बैन जमात है उनको मुल्क में अंदर इंतजार फैलाने पैन जे वे और किसी है जरूरत होनी हो ना जरा जे अगो नोट तक है ना नोट तक आओ मैडम मूड बने नोट तक है ना तेन तो नौरो जनाब का अपना गिनते शुरू हो गए ने ना के इस्लामाबाद ते चढ़ाई कर देने फिर तो नोट गिने थे तो वापस चले गए ने जिस मकसद मारे इस्लामाबाद से चढ़ाई करने मां दसन जो मकसद कोई हासिल कीता ने आज तक उनका मकसद के वे मैं तो आड़े के सिर्फ गुजारिश मैं इससे और भी बड़ी डिबेट कर सकना और मैं कर सकना कि इन बिल्कुल इंडिया नीता ठीक नहीं इन रसूल पाक ने ना इस्तेमाल करके मुसलमान ने जज्बात उभार के उन्हें को वोट गिनने और फिर उसके बाद ना इनके किरदार ना इनका म्यार है ना इनकी नीयत है कि असी सियासत पे करने हैं पाकिस्तान से लोग मारे अपनी आवाम मारे इलाके मारे असी खुदा ना खास्ते इसी तुसा कहा के सा पाक रसूल ने नाए दे वोट दो मैंने समझने मुताबिक तेने ते एफआईआर होनी चाहिए कि इन सियासत में पाक रसूल ने ना इस्तेमाल करके और वोट गिने मैं थोड़े अगे गुजारिश करना तुसी मैं असी सारे इंसान फरिश्ते ना असी गुनाह तो भरे हुए हैं साढ़े अंदर कमजोरियां साधे अमन साढ़े अंदर गुनाह असी बिल्कुल फरिश्ते ना असी अपने आप हाँ उनका ना इस्तेमाल करके अपने जाती फायदे मारे अगर करने हैं तो जुलम है अपने आप ना भी जुलम है अवाम ना भी जुलम है मैं थोड़े अगे गुजारिश करना कि किसी सियासी जमात का वोट दे दो लेकिन रसूल खुदा ना ना इस्तेमाल करके जेडे वोट मंगने उन्हें इतने बढ़न भी नहीं क्योंकि किसी तरह भी ना साढ़े मजहब वास्ते ही जायज है और ना साढ़े मुल्क वास्ते जायज है कि असी मजे मतलब है उनका ना इस्तेमाल करके मुल्क ने अंदर धरने में भी हमारे जो बंदे जाते थे ना मुजाकरात के लिए तो उनको कहते थे कोई तीसरा रास्ता कटवा मौलवियों को तीसरा राह दो जो हमारे बारे में बातें कर रहे हैं ना पैसे की तीसरा राह तो फिर वो पैसे था ना हमारे बंदे शहीद होते ना हम 12,000 शैल खाते शैलों का धुआं खाते ना हमारे बच्चों की टांगे काटी जाती ना हमारे बच्चों के जबड़े टूटते ना उनके दांत टूटते ना उनकी पेशानियों पर गोलियां लगती जो पैसे लेते हैं ना वो बंदे शहीद नहीं करवाते जो पैसे लेते हैं वजीर की गर्दन पर पांव रख के वजीर को मुअत्तल नहीं करते अब ये और बात तो आई कोई नहीं कह रही पैसे ले मैं तो ले तो कोई दिखाओ किसी ने जो पैसे लेते हैं ना फिर वो बाहर चले जाते हैं उनको हजम करने के लिए मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ इतने पैसे तो आप आदमी जब बैंकों में नहीं ना जमा होते पागल के बच्चों जो पैसे लेते हैं वो लाहौर से कंटेनर के ऊपर बैठ कर नारे लगा कर फैजाबाद नहीं जाते जो पैसे लेते हैं वो रात की तारीकी में उसकर दौड़ते हैं हम दो दिन लगाए पिंडी से इस्लामाबाद फिर पहुंचते हुए हाँ और उसी कंटेनर पर बैठकर दोबारा आए तो खुदा का खौफ करो समझ आई बात के लिए जल्दी मैं भी जिम्मेदार हूँ तो मेरे पुत्र भी तो मेरी पूरी जमात जिम्मेदार है क्या हाँ एक रुपया भी साबित हो जाए ना घूमता था एक रुपया भी तो मौली खादर मरने के बाद भी मेरी कब्र उखेड़ कर उसको जूते वो गलान करने आई यार पीड़ा और तो फकिया हो जेडी दर्द है वो दसो की होया हुजूर दर्द असल दसन ते पंजाबी होटल समझ आई ना पीड़ा और तो फकिया हो
दूसरा है कि खोता भी बहने गुलकंद की सारे काम तो सही समय खोता भी जाए खोते के ढेर दर्द हो ना उसका पेशाब बंद हो जाए तो उस गुलकंद नहीं पाते हाँ भावे मन भी खवा दो तो खोता भी जाने खोते वास्ते कौड़ा तेल के नाल पानी मिलाओ नले में पा के खोते लटा के जनाब तेल भी पा के नाल कणक के दाने के नाल जनाब सोटे भी नाल इन्हें जो मुंह चलाओ हाँ जी खोते की जाने गुलकंद की हो इस वास्ते इन्हों की पता खत्म नबूवत की हो।